अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की छोटी सी बात में बच्चों से जुड़े हुए मसाइल के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। अभी मैं पढ़ रहा था, एक इंटरव्यू था रिसेंटली USAID के एक अहदेदार पाकिस्तान में एक सेमिनार से ख़ताब कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ी ही आई ओपनिंग बातें की जो कि मैं चाह रहा हूँ इंतहाई मुख्तसर वक्त में सादा ज़ुबान में मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ, जो कि आपके और हमारे और जो कौम के बच्चे हैं उनके लिए वो बहुत एक ज़रूरी बातें हैं जो कि हम अडल्ट जो हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, फैमिली के लेवल पे ऊपर, गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर एज ए नेशनल पॉलिसी के तौर पे बहुत काबिले गौर बात है। USAID की रिसर्च के मुताबिक दुनिया में अगर कहीं भी किसी भी खित्ते में 10% बच्चे जो हैं अगर मुख्तलिफ जिस्मानी बीमारियों का शिकार अगर हों तो वहाँ पे एक एमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और इसको एक पेंडेमिक की तर्ज के ऊपर इसको टैकल किया जाता है, तो इसको एक नेशनल इशू के तौर पे लिया जाता है। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बात यह है, मेरे लिए भी एक आई ओपनिंग थी और बहुत मुझे अफसोस और तकलीफ है ये बात आपसे शेयर करते हुए कि दोस्तों पाकिस्तान में USAID की रिसर्च के मुताबिक ऐसे बच्चों की रेशो 40% तक है, 4 गुना ज़्यादा दुनिया का जो स्टैंडर्ड है, 10% दुनिया का स्टैंडर्ड है, हमारे 40% बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का अपने चाइल्डहुड में शिकार होते हैं, और जिसमें पाकिस्तान में जो 5 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है। और ये भी फरमाया गया जो पंडित्स हैं USAID के, उन्होंने बताया हमें बल्कि कि आपके जो पाकिस्तान में जो बच्चा पैदा होता है उसका बहुत कम चांस होता है दुनिया के बाकी ममालिक के 5 गुना से भी ज़्यादा कि वो शायद ना सरवाइव कर सके अपनी पैदाइश का अमल। ये इतनी बुरी सूरत हाल है। और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जो सबसे बड़ी मौत की वजह वो मेल न्यूट्रिशन है। आप अंदाज़ा कीजिए, हम एक इस्लामी मुल्क हैं, हम एक ज़रई मुल्क हैं और हमारे मुल्क में ग़िज़ा की कमी की वजह से 5 साल से कम उम्र की बच्चों में जो अमवात हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। अभी हमें थर के जो बच्चों की वो ख़बरें आती हैं, लेकिन वो तो एक स्टिग्मा है, वो हाईलाइट होती हैं, लेकिन हमारे गाँव में, देहात में, हमारे शहरों में, क्योंकि हमारी पावर्टी लेवल जो इतना ज़्यादा है, आप देखें जो शहरों में शैंटी टाउन बने हुए हैं जिनको हम झुग्गियों के कहते हैं, उसमें कोई अदाद व शुमार नहीं है कितने बच्चे पैदा हुए, कितने बीमार हुए, कितने ग़िज़ाई किल्लत की वजह से फौत हुए, और कोई इसका प्रॉपर सर्वे का शहरों में बिल्कुल बंदोबस्त नहीं है। लेकिन जो भी बंदोबस्त है वो भी इंतहाई शर्मनाक उसके अदाद व शुमार हैं। तो ये अब पाकिस्तान की जो साहिब इक्तदार क़ुव्वतें हैं उनको ये उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और जो हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि एक अगर आपके पास खाने पीने की या बच्चों के परवरिश के वसाइल नहीं हैं तो जो आपके बच्चे हैं तभी बीमार हो गए। ये चाइल्ड न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं या बच्चों की जो बीमारियां हैं वो साहिब सरवत लोगों के यहाँ भी बिल्कुल होती हैं। तो हमें इसीलिए जो वैक्सीनेशन अपने चाइल्ड की है उसको प्रॉपरली हमें उसके लिए आगाही देनी चाहिए, उसके लिए जो हमारी एफर्ट ऑलरेडी हो रही है उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। और फिर जो हम अपने बच्चों की जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, जो इवन के पढ़े लिखे अर्बन पॉपुलेशन में है, उसका भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप अपने बच्चों की डायबिटीज़ के हवाले से या फिर ओवरऑल साल में कोई एक बार अगर आप उनका जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिन करवा लें। अब एक और बीमारी हमारे बहुत ज़्यादा चल गई है जो तकरीबन हर घर में है, मेरे अपने घर में मेरे बच्चे हमारे जो वो फ़ोन के ऊपर जो वीडियो गेम और टीवी, आप ये देखें जो आई साइट के से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो बहुत पेंडेमिक की तरह अब, लेकिन बच्चे और बच्चियां जो हैं वो क्योंकि इसको रियलाइज़ नहीं करते, वो सरदर्द का शिकार होते हैं। फिर पता उस वक्त लगता है जब बहुत ज़्यादा उनकी आई साइट गिर गई होती है, उनको ब्लैक बोर्ड तक नज़र नहीं आता, तो फिर वालदैन के नोटिस में ये बात आती है, तो फिर वो उनको बड़ी हैवी ग्लासेस पहननी पड़ती हैं और काफ़ी ज़्यादा उनका हैंडीकैप जो है वो दुनिया में बाकी बच्चों से कम्पीट करने का उनका जो चांस है वो कम हो जाता है। तो आज की छोटी सी बात में ये USAID के जो हौलनाक दिल दहला देने वाली फिगर हैं कि पाकिस्तान में जो बच्चों की बीमारियों से जो सफ़र होने का रेशो है वो 40% है, वेरस दुनिया में जो अलार्म बेल रेज होती है वो 10% पे होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा कोई ऐसा कोई अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है, कोई गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कैंपेन नहीं है, हत्ता कि हमें अपने घरों में अपने बच्चों से कोई इतनी खास दिलचस्पी नहीं है कि जब तक कि वो किसी बीमारी का शिकार हो के वो सिम्टम्स हैं उनमें शो हो जाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि आज की छोटी सी बात में बच्चों और बच्चियाँ जो तो समझने के काबिल हैं स्कूल गोइंग कॉलेज की, वो अपनी सेहत का खुद ख्याल रखेंगे, अपना स्क्रीन टाइम जो है वो कम करेंगे, या अगर उनको महसूस होता है कि आई साइट से रिलेटेड
उनको कोई इशू है तो फौरी तौर पे वो अपने वालदैन को कह के अपनी आई शर्ट चेक करेंगे। और ये एक स्टिग्मा है कि हमने खासकर लड़कियों में कि ऐनक नहीं पहनी हमने, वो फर्दर एग्रीवेट हो जाती है सिचुएशन और बाज़ का वो टोटल ब्लाइंडनेस की तरफ चली जाती है। तो उम्मीद है कि हम इस आज की छोटी सी बात से काफ़ी इनलाइटन हुए होंगे। आपको अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आखिर में वही, अल्लाह आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।